हर घर तिरंगा पर डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा कि गोरखपुर में 8,32,000 घरों में तिरंगा को फहराया जाएगा, जिसमें 3,90,000 तिरंगा एमएसएमई के माध्यम से मिल रहा है और 4,42,000 तिरंगा गोरखपुर में प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि स्वयं सहायता समूह, एनजीओ और निजी सिलाई केंद्रों के द्वारा हो रहा है। 2,00,000 झंडा शाम तक मिल जाएगा, जिसको वितरण करने का प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा 2,00,000 झंडों को विद्यालय, स्कूल, ब्लॉक पर वितरित कर दिया गया है, जिससे हर घर तक प्रधान के माध्यम से झंडा पहुंच सके। लोगों में जागरूकता के लिए गांव के हैंडपंप को तिरंगा के कलर से रंगवाया गया है। इसके अलावा अमृत सरोवर के पास जितने भी पेड़ हैं उसको भी तिरंगा कलर से रंगाया जाएगा। लोगों में जागरूकता के लिए जगह जगह पर तिरंगा के साथ फोटो प्रभात फेरी को निकाला जा रहा है, जिससे लोग 11 से 17 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, गोरखपुर में कुल 8,32,000 घरों में तिरंगा को फहराया जाना है। साथ ही जितने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन समूह में भी तिरंगा फहराया जाएगा, जिसमें से 3,90,000 जो तिरंगा है हमें एमएसएमई के द्वारा मिल रहा है। बाकी 4,42,000 जो तिरंगा है वो गोरखपुर में ही इसका प्रोडक्शन हो रहा है, स्वयं सहायता समूह के द्वारा, एनजीओज के द्वारा और निजी सिलाई केंद्रों के द्वारा। तो अभी तक एमएसएमई से हमें कोई भी झंडा प्राप्त नहीं हुआ है। आज शाम तक 2,00,000 झंडा प्राप्त होने की उम्मीद है, जैसा बताया गया है। और हम लोगों ने जो है 4,42,000 में से लगभग अभी 3,20,000 झंडों का उत्पादन जो है हमारे जनपद स्तर पर हो चुका है, जिसे कि डिस्ट्रीब्यूट करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। अभी तक लगभग 2,00,000 झंडे हम लोगों ने डिफरेंट जगहों पर, जो चाहे ब्लॉक हो या ग्राम पंचायत हो या फिर विद्यालय हो, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करा दिए हैं। बाकी जो झंडे को धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट कराया जा रहा है वहाँ पर, और जैसे एमएसएमई का झंडा आता है उसे भी हम वितरण उसका भी हर स्थान पर जगह पर उसका वितरण कर देंगे। और जो झंडे हैं इसको आचार संहिता के तहत फहराया जाए, इसको भी हम लोगों ने ये करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तथा हर कोई झंडा फहराए इसके लिए जो हैंडपम्प है उसको भी हम लोग ये रंगाई करा रहे हैं। और साथ में जो जितने पेड़ हैं अमृत सरोवर के आसपास उसको भी हम लोगों ने प्लान बनाया है, उसकी भी रंगाई पुताई तिरंगे से उसको भी रंगा जाएगा, ताकि लोग जो है फरीद हो, तथा झंडा लेकर के हम लोग खड़े होकर के भी उसके जो फोटो सेशन करा करके लोगों को द्वारा रैली निकाल करके, प्रभात फेरी निकाल करके झंडा के साथ लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो 11 से 17 अगस्त तक अवश्य झंडे को फहराएं।